अपडेट करेंगे आपको स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। सरमायाकारों के वारे नयारे हो गए। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब बताएगा क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त। अब बिल्कुल जी, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त किस्म की आज जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार के आगाज़ से ही मजबूत रुझान है और इस वक्त 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो 1000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स जो है वो 24 माह की बुलंद तरीन सतह 48,000 की सतह अबूर करते हुए जो है उस पर ट्रेड कर रहा है। 23 अगस्त 2021 को जो है वो आखिरी मरतबा इंडेक्स में 48,000 की जो हद है वो देखी गई थी और उसके बाद आज जो है वो 31 जुलाई को जो है वो एक बार फिर 100 इंडेक्स जो है वो 48,000 की नफसियाती हद उबूर की है। सरमायाकार खास सरगर्म है। एक तरफ चीन की जो इस वक्त पाकिस्तान में आमद है उसके साथ साथ सरमायाकारी है। आज स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इजलास है उसका अब आगाज़ हो चुका है और आज ही शाम में बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो नई शरह सूद है आइंदा 2 माह के लिए उसका ऐलान किया जाना है। मार्केट एकदम ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्म कर रही है और 24 माह के बाद मार्केट में आज एक बार फिर 48,000 की जो नफसियाती हद है वो बहाल हुई है। जी ठीक है हबीब खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी देखी जा रही है। सरमायाकारों के वारे न्यारे हो गए। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सरमायाकारों का ये कहना है कि मुस्बत रुझान से खासा मुनाफा देखा जा रहा है। ये गैर मामूली तेजी काफी अरसे के बाद स्टॉक मार्केट में देखी जा रही है। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का अब तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रेडिंग के दौरान मामूली इजाफा हुआ डॉलर की कीमत में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान ये मुस्बत रुझान देखा गया। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मौशी तर्जियाकार ताहिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ताहिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई खुशाइंद है कि स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी है। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा अब तक ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। क्या वजूहात इसके पीछे देखते हैं और क्या ये मुस्बत रुझान हम आइंदा भी देख पाएंगे? जब से पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम साइन किया है तो उसके बाद से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी जो है वो रोबस्ट है और जो एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट था वो खत्म हो गया है। उसके बाद जिस तरह हुकूमत जो है वो गल्फ कंट्रीज से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा चाइनीज डेलीगेशन का भी विजिट है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि हमारी मार्केट काफ़ी कम मल्टीपल पे ट्रेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, तो वो सारा इंपैक्ट जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है और हमने देखा है कि आज भी जो है वो इंडेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट जो है वो बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेगा और मार्केट जो है वो इसी तरीके से आगे जाते हुए परफॉर्म करती रहेगी। क्या समझते हैं आपके, अब ये जो तेज़ी देखी गई है ये स्टेबिलिटी रहेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त भी तकरीबन हम लोग 24 महीने के हाई पे जो है वो आए हैं, बट अभी भी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। इस वक्त भी मार्केट का जो मल्टीपल है वो तकरीबन 3.8 टाइम्स है। 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस वक्त मल्टीपल 3.9 टाइम्स का था। तो अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई है। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया, अभी राय का इजहार कर रहे थे। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।